उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में पांचवा पुस्ता यमुना खादर में नहाने गए दो भाइयों की डूबने से मौत हो गई है। मृतक मनीष और दीपांशु 15 साल के थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सुरक्षित शव गृह में रखवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मनीष और दीपांशु परिवार के साथ पांचवा पुस्ता गवाड़ी एक्सटेंशन गली नंबर 7 में रहते थे। दोनों कक्षा 9वीं में पढ़ते थे। उनके परिवार में पिता नवीन, माँ राजपाला और एक बहन सिमरन है। दोपहर के समय दोनों भाई यमुना के बाढ़ के गड्ढे में जमा पानी में नहाने पहुँचे, जहाँ एक भाई डूबने लगा, तभी दूसरे भाई ने उसे बचाने का प्रयास किया। वह भी यमुना के पास जब प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सुरक्षित शव गृह में रखवा दिया है। तारा देवी, आप पड़ोसी हैं इनके? जी। तारा जी, ये बताइए, जिस तरीके वहाँ पे बंदोबस्त नहीं किया गया, अभी कुछ बता रहे थे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भैया, वहाँ पे तारवार कांटे वाले जो होते हैं, जंगल में गायों के लिए बांध दिए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। पानी में अगर तार बंधे होते तो ये असर नहीं होता। पार्किंग बना रखी है, लेकिन तार नहीं लगा रखे गाड़ियों के लिए। धंधा करने के लिए है सब कुछ, लेकिन तार नहीं लगा रखे। पानी की जगह अगर तार होते वहाँ पानी क्या चारों तरफ, तो ये बच्चे आज ये जिंदे होते। ऐसा हादसा नहीं होता। कल भी एक आदमी 18 साल का बच्चा था, कल भी डूबा है। परसों 4 बच्चे तीसरे पुस्ते के बताए, बिहार के। कोई सेफ्टी का कोई साधन नहीं है। ये होना चाहिए, क्योंकि दूसरी बाढ़ आने तक ये पानी नहीं सूखता है। आगे वाला पानी आएगा, जब तक ये पानी ऐसा ही भरा रहेगा। हमने सुना है कि दोनों जुड़वा बच्चे हैं, दोनों के नाम एक का मनीष, एक का दीपांशु। तो कितनी उम्र थी इनकी? 15 साल। अच्छा, घर से कब से आज गायब थे? सर, 11 बजे से गायब थे, पर मेरे पास शाम को कॉल गई थी। मैं जॉब पे थी, कश्मीरी की जॉब पे थी। मुझे शाम को खबर गई थी, मैं तुरंत आई। आपको क्या जानकारी मिली थी कि कहाँ गए बच्चे? मुझे आधी जानकारी मिली कि हॉस्पिटल में है, एक ठीक है और एक एक्सपायर हो चुका है। अब खबर आई कि दोनों ही अस्पताल हो चुके हैं। पुलिस को जानकारी दी जब पानी में डूबे? जी सर, मेरे को अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं घर पे आई थी, मैं हॉस्पिटल नहीं गई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।